आगे बढ़ते हैं। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही संजय सिंह ने पार्टी के चुनावी मुद्दों को भी गिनवाया। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह से बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता उबैदुर। आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और क्या तैयारी है। सर, उत्तर प्रदेश में आप लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या तैयारी है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी? उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और हमारे कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और भारी जनसमर्थन उस पर मिल रहा है। 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बिजली के बिल बकाया माफ़, किसानों के बिजली के बिल माफ़ और 24 घंटे बिजली, ये चार बिजली को लेके हमारे मुद्दे हैं जिसको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। दूसरा ऐलान अभी हम लोगों ने किया है केजरीवाल की दूसरी गारंटी के तौर पे, उसमें हमने कहा है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां हर साल देंगे और जब तक नौकरी नहीं दे पाते तब तक 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रति माह देंगे। पिछले दिनों आपकी अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई थी, क्या चर्चा रही और क्यों ये जो कामयाबी नहीं मिली गठबंधन की तरफ, माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और सपा जा रही है? देखिए, मैंने उस दिन भी जो कहा था आज भी उस पर कायम हूँ। मैंने कहा था कि गठबंधन की दिशा में कोई बात होगी तो आपको जानकारी देंगे। उस समय भी आप लोग पूछ रहे थे गठबंधन हो रहा है क्या, गठबंधन हो रहा है क्या, तो गठबंधन की दिशा में कोई बात बढ़ी ही नहीं। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव करने जो छापे मारे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो किस दल से जुड़ा है किस दल से नहीं जुड़ा है ये तो जांच का विषय है। कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, लेकिन जो उसके यहाँ से पैसा निकला ये एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। खबर झांसी से है जहां मैराथन दौड़ में पुरस्कार को लेकर बवाल होने की खबर मिल रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं स्लोगन के आधार पर ही ये मैराथन आयोजित थी। गुस्से में आई लड़कियों ने हंगामा किया है, पथराव भी किया है। यहां छात्राओं का आरोप है कि स्कूटी और स्मार्टफोन देने का वादा किया था मैराथन जीतने वालों को, जो कि ये वादे के मुताबिक पुरस्कार नहीं दिए गए। रुक तो जाओ, तो नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर लड़ाई पुरस्कार को लेते के नाम पर ही होती दिखाई दी। यहाँ पर ये हुआ कि उनका कहना है कि मैं फर्स्ट आई। हमने उनसे कहा कि अपने एलईडी वॉल लगवाई है, आप लाइव देख लीजिए। लेकिन क्या हुआ, उसी समय कुछ हमारे बाकी लोग आ गए, उन्होंने प्लान करके सुनिश्चित तरीके से इसमें क्योस मचाया। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के नेतृत्व में महिलाओं में आत्मविश्वास सृजित हो उसके लिए मैराथन दौड़ की जा रही। झांसी में भी मणिकर का मैराथन दौड़ इस आशय से की जा रही कि लड़कियां मुख्य धारा में जुड़ें। और ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि 7-8 हज़ार लड़कियों ने और महिलाओं ने इसमें भाग लिया है और सब इस उत्तर प्रदेश में एक नए इतिहास को सृजन कर रही हैं।